हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में हिंदी और संस्कृत दोनों से काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि खून खौलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है घबराना, बी ऑप्शन है प्रेरित होना, सी ऑप्शन है तेज बुखार होना, डी ऑप्शन है बहुत क्रोधित होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खून खौलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बहुत क्रोधित होना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। ए ऑप्शन है दयानंद, बी ऑप्शन है गौरी शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है प्रमोद कुमार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है दुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। तो घुटन महसूस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि कीचड़ में कौन फंस गया। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है पथिक, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कीचड़ में कौन फंस गया। तो कीचड़ में पथिक फंस गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है अवयव, डी ऑप्शन है विशेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सर्वनाम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल किस राज्य में स्थित है। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है।
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दिन रात परिश्रम करना, बी ऑप्शन है हानि होना, सी ऑप्शन है दिन रात सोना, डी ऑप्शन है खूब उन्नति करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खूब उन्नति करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहयान, बी ऑप्शन है कालिदास, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इत्सिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है इंग्लैंड के, बी ऑप्शन है अमेरिका के, सी ऑप्शन है जर्मनी के, डी ऑप्शन है रूस के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ए ऑप्शन है भोजपुर में, बी ऑप्शन है राजगृह में, सी ऑप्शन है मगध में, डी ऑप्शन है मिथिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ए ऑप्शन है कुटिया था, बी ऑप्शन है साधारण घर था, सी ऑप्शन है राजमहल था, डी ऑप्शन है केवल ईंट का घर था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि जार शाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जार शाही कहाँ थी, तो जार शाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो रूस के राजा होते थे उसे जार बोला जाता था, इसीलिए जार शाही कहाँ थी, तो रूस में थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कालिदास की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है हर्षचरित्र, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन है गीत गोविंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन कालिदास की रचना है, तो जो रघुवंशम है ये कालिदास की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि साफ साफ कहने वाला। ए ऑप्शन है अकथनीय, बी ऑप्शन है कटुभाषी, सी ऑप्शन है मृदुभाषी, डी ऑप्शन है अस्पष्टवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं, तो साफ साफ कहने वाले को अस्पष्टवादी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था। ए ऑप्शन है कंगन, बी ऑप्शन है कर्णभूषण, सी ऑप्शन है चंद्रहार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था, तो सोने का कंगन देना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की,
बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ए ऑप्शन है कपिल, बी ऑप्शन है गौतम, सी ऑप्शन है कणाद, डी ऑप्शन है पतंजलि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे। ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे, तो रसखान कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है कि कैमूदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमूदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो कैमूदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी के, बी ऑप्शन है यमुना नदी के, सी ऑप्शन है देवी नदी के, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ के निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है वैभव, सी ऑप्शन है विद्या, डी ऑप्शन है घर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है, तो उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है घनानंद, डी ऑप्शन है अर्जुन देव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक है, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति का, बी ऑप्शन है देव भक्ति का, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति का, डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है माता पिता के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है,
तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ए ऑप्शन है भारत की, बी ऑप्शन है यूनान की, सी ऑप्शन है यूरोप की, डी ऑप्शन है पाकिस्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत के गीत देवता भी गाते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है सफाई करना, सी ऑप्शन है चोरी करना, डी ऑप्शन है गंदगी फैलाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ चोरी करना होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है दोनों की, डी ऑप्शन है सभी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय होती है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन है रोमन लिपि में, सी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अंग्रेजी होता है वो रोमन लिपि में लिखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है देवता, बी ऑप्शन है आत्मा, सी ऑप्शन है दानव, डी ऑप्शन है ऋषि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि नाउमीद बुढ़ापे का सहारा कौन था। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है शेफाली, डी ऑप्शन है आलू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाउमीद बुढ़ापे का सहारा कौन था, तो खोखा था। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम कासू था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, डी ऑप्शन है दानव के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है मूल शंकर ने, बी ऑप्शन है देव शंकर ने, सी ऑप्शन है शिव शंकर ने, डी ऑप्शन है हेमचंद्र ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग 40 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ।
यहाँ पे हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग फटाफट बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से अगर आपका जो भी गलती हुआ होगा उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और उसका आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ए ऑप्शन है स्कूल में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है गुरु के घर में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।